ये आपको जो जगह दिखाने लेके आए हैं आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। मौला अली के पास जो तलवार थे जिसका नाम ज़ुल्फ़कार था, वो ज़ुल्फ़कार जंगे उहद में मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अनायत फरमाई थी, अता फरमाई थी, ये वही पहाड़ है। ये बिल्कुल मैदान उहद के करीब है। कोशिश करते हैं कि ये हमें आगे जाने दें। ये ज़ायरीन भी यही देख रहे हैं। और ये वो सामने पहाड़ है जहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया गया था। ये बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है ये यही वो पहाड़ हैं गाइड के मुताबिक जहाँ पे हजूर के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। अच्छा जी, अच्छा, ये जो सीमेंटेड जगह नज़र आ रही है ये वाली सीमेंटेड है जी भाई, ये मतलब जगह अल्लाह उर्दू 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 में उर्दू में। अच्छा मलिक साहब, ये वो जगह है जहाँ पे जब कुफार ने ना अल्लाह के नबी का पीछा किया ना, तो हज़रत अली के नबी तालब ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को उस जगह पे लेके गए तो पहाड़ों में रास्ता बन गया ना, पहाड़ों ने रास्ता दिया अल्लाह के नबी को। तो हज़रत अली बिन नबी तालब ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को उस पहाड़ के जगह पे बिठा के फिर दोबारा जो है ना काफरों की तरफ रुख किया। जब काफरों ने अली बिन नबी तालब को देखा तो फिर वो भागे दोबारा से। माशाल्लाह, उत्ते दीवार बना के ना देखो ना मेहराब भी बनया, मेहराब नज़र आ रहा है मलिक साहब, है मेहराब बनया जी 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 सामने मलिक साहब, इतना लुआओ ना परली दीवार है ना, परली दीवार है ठीक है, दीवार से मेहराब बनया ना, एक है दीवार इस तरह मुरब्बे की शक्ल च बनी ही, मलिक जी दीवार ऊंची ही तो बाद च इन्होंने सारी जरूरत इसे जगह देखो पहाड़ी थी मतलब लड़ते इस्लाम का देखो अमान देखो कि तलवार टुट गई, मोहम्मद सल्लम ने खजूर की टहनी दी आली इस टहनी ना मेरा दिफा कर, सरकार उस टहनी ना दिफा कर दे रहे, वो फिर टुट गई, फिर दूसरी टहनी दी, फिर उस दूसरी टहनी ना दिफा कर दे रहे, फिर आई साहब टहनी वाली गल दा दसार सी हर के आली खजूर की टहनी ना मेरा दिफा करो, तो मौला ने उन्नू डाल बना लिया बेशक, वो टुटी फिर हजरत मोहम्मद सल्लम ने दूसरी दी तो वो दूसरी नाल डाल बना लिया ठीक, फिर अलग अलग ईमान सर, ईमान कुल्ले ईमान। हाँ जी, हाँ जी।